घर पे प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया, केमिस्ट्री का भी बन गया, बॉटनी का भी बन गया, जूलॉजी का, आपको ऐसे जकड़ से लेते हैं पूरे के पूरे ना, है ना, और उस चंगुल में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एग्री, आई आई मैं ये भी जानता हूँ यार, आप में से ना बहुत सारे बच्चे जो हैं समहाउ जब कोई प्रॉपर बैच लेता है तो वो सोचता यही है कि रैंक वन से नीचे तो जाना ही नहीं है यार तेरे भाई ने, ना है ना, या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक आना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, बट ड्यू टू वन रीजन और द अदर, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे आप ऑनलाइन में हो, अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी कारणवश, ठीक है, जानबूझ के तो नहीं कहेंगे बट शायद किसी मजबूरी के कारण कहीं बैकलॉग बन जाता है ना। बैकलॉग भी कई प्रकार का होता है यार, कभी कभी तो किसी ऐसे चैप्टर का बैकलॉग बन जाता है, लेट अस सपोज जैसे है ना, जस्ट टेकिंग ए रैंडम चैप्टर इन केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट का बैकलॉग बन जाए ना यार, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, आप जब भी आपका मन करे आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज नो इश्यूज रिगार्डिंग इट, क्योंकि ऐसा चैप्टर है। बट अगर यही बैकलॉग बन जाए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम का, वो रेडॉक्स में भी यूज होता है, थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ऐसे चैप्टर का अगर बन जाता है फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो बैकलॉग के भी कई प्रकार हो सकते हैं, कभी बहुत छोटे चैप्टर का बन गया, बहुत अन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चल जाता है कोई बात नहीं उसको धीरे धीरे, बट कई ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको जकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, एंड साइमल्टेनियस बैकलॉग भी बन जाता है। होता क्या है कि है ना, ये सारी स्थिति मैं समझ पा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, कि आपका फिजिक्स में बैकलॉग क्रिएट हुआ, उसी टाइम पे उसी प्रॉब्लम के कारण कोई घर पे प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया, केमिस्ट्री का भी बन गया, बॉटनी का भी बन गया, जूलॉजी का भी बन गया, एंड समहाउ वो चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, या उन चार में से तीन इंपॉर्टेंट थे, दो इंपॉर्टेंट थे, तो वो आपको ऐसे जकड़ से लेते हैं पूरे के पूरे ना, है ना, और उस चंगुल में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एग्री, आई फील इट, आई कैन लाइक फील इट कि यार ऐसा हो जा, चाहते ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको करना क्या चाहिए कि पहले तो उन चारों में से वो चैप्टर उठाओ जो इंटर रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, जूलॉजी में है, उसमें से एक में से निकलने की या दो में से निकलने की कोशिश करो। जब आप एक दो में से निकल जाएंगे तो बाकी दो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है, और कोशिश करिए कि अब अपनी स्पीड को इतना रखें, ठीक है, कि अब दोबारा बैकलॉग ना बने, अब दोबारा बैकलॉग ना बने, ठीक है, आगे वाले चैप्टर साथ साथ चलते रहने चाहिए, जो पीछे वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट थे उनका रोज थोड़ा 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 उन जकड़न में से आप निकलें। अब इतना तेज आप भागें, तेज भागने का मतलब ये नहीं है कि वीडियोस को तेज तेज स्पीड पे देखें, रेगुलरली मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, हमारी बातों को सुने, इतना तेज भागे कि अंत में आप हम सबको रिजल्ट वाले दिन स्टेज पे मिलें, ठीक है।